कोई बोले उसके पहले हम कुछ बोले On behalf of Saregama and Salim Suleiman, we welcome you all here to the press conference of our upcoming prestigious project, the Bollywood Musical. I'd like to welcome the super talented duo Salim and Suleiman. Thank you. And on behalf of Saregama, Mr. G.V. Iyer, our executive director, and Mr. Adarsh Gupta, our business head. I'd like to welcome them to the panel and to share their thoughts on this project. This AV says the whole show about what actually it's going to be like, but I'll say it again. Saregama and Salim Suleiman have, we've thought about this big show which is called the Bollywood Musical, and this show jo hai wo purane gaane like 60s or 70s or wo time ke jo gaane hai, wo hum represent karenge in a big concert way. With a live orchestra, with live choruses, but yet bring it in a contemporary way. Like the musicians, there will be a bass player, there will be a drummer, there will be a keyboards and guitars. Or isko jo aaj ka sound hai, wo hum denge. But definitely, iske saath jo purana sound tha, jo orchestra ka sound tha, jo purane zamane mein the way they used to produce the songs, you know, with a full live orchestra, with hundreds of musicians and choruses and stuff like that. We are going to do this live on stage and bring all these amazing songs like, you know, R.D. Barman ji ke gaane, Madan Mohan saab ke gaane, S.D. Barman, all the famous composers, Shankar Jaikishan, Lakshmikant Kerala, amazing singers like Lata ji, Asha ji, Mohammad Rafi saab, Kishore saab. Ye sab itne, yani bahut, ye gaane jo hai wo, kya kehte hai, humare golden period, you know, jisko kahenge, film industry ka golden period hai. तो वो जमाने के जो गाने हैं वो हमेशा अमर रहेंगे. आज भी हम वो गाने गाते हैं, आज भी हम वो जब गाने सुनते हैं तो रोंटे खड़े हो जाते हैं. तो यही एक मकसद है हमारा कि ये सब जो गाने हैं हमारे क्या कहते हैं, हमारे देश की जान है, ये गाने हमारे देश की एक निशानी है. तो ये गानों को हम आज अपनी तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक बहुत बड़े शो के जरिए. और ये शो हम जो चाह रहे हैं, जिस तरह से हमने प्लान किया है, वो उसकी थोड़ी झलक आपने देखी है यहाँ पर ये तो सिर्फ एक झलक है. जिस तरह से ये शो प्रोड्यूस होने वाला है, गाने तो ऑफ कोर्स अमर है ही है, पर इसको जो जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ना केवल इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिशंस के साथ, पर इसका जो प्रोडक्शन है, जो लाइटिंग और इसका स्टेज डिज़ाइन, और इसको बहुत ही एक इंटरनेशनल वे से हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलॉन्ग विद सारेगामा वी आर गोइंग टू डू दिस इन अ ह्यूज वे, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. एंड आई होप दैट आप सभी का साथ रहे हमारे साथ, और आप सभी इसको पसंद करें जितना हमने विजन किया. सलीम, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेचुलेशंस फॉर द कोलैबोरेशन. एक्चुअली बहुत दूर रहते हैं, राइट अक्रॉस द रोड. और जब ऐसा होता है कि यू नो, जब दो शख्सियत बहुत करीब रहते हैं तो बहुत नज़दीक रहते हैं तो नहीं, दैट्स अ रॉन्ग आंसर. वेल एक्चुअली मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और
ऑफ कोर्स सारेगामा हैज़ ऑलवेज हैड दिस कैटलॉग और ये सब अमेजिंग जो गाने हैं वो उनके लेबल पे है और वो उनकी बहुत अच्छी तरह से उनकी वैल्यू करते हैं. तो मेरे ख्याल है जो हर अच्छी चीज़ जो होती है उसका एक सही वक्त होता है. एंड ये इतना वक्त क्यों लग गया इसका सवाल तो हम किसी के पास नहीं है. एक्चुअली इसका जवाब है क्योंकि ये हम लोग लास्ट दो साल से हम लोग ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और क्योंकि इसका लेवल इतना बड़ा है, देयर इज लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग जो करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को उस लेवल तक ले जाने की जो ताकि ये एक इंटरनेशनल शो बन के रह जाए. तो वो प्लानिंग करते करते हमें लगता है एक डेढ़ साल लग गए. एग्जैक्टली. एंड इसको और 3-4 महीने कम से कम और लगेंगे टू एक्चुअली फाइनलाइज एंड डू इंट्रिकेट थिंग्स विच एक्चुअली मेक द शो सक्सेसफुल. सो टाइम लग गया इतना क्योंकि इतना टाइम लगता है इतना अच्छा सक्सेसफुल शो क्रिएट करने का. एंड वी आर वेरी फ्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स और म्यूजिशियन जिन्होंने इतने बड़े परफॉर्म लाइक इतना बड़े स्टेज पे कभी परफॉर्म किया लाइक प्यारेलाल जी एंड एआरएम एंड आफ्टर दोस यू गाइस. सो हाउ डू यू फील राइट नाउ एंड आई मीन यू नो डूइंग द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस वी कैन से इन द स्टेज परफॉर्मेंस. एक तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा प्रेस्टीजियस है और हाउ डू आई फील फैंटास्टिक टू बी पार्ट ऑफ दिस. और आई थिंक यू नो बिकॉज इट्स सच अ प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट बिकॉज जो ये गाने हैं वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग है. नो मैं कहूँगा कि जब कभी भी कोई गाना कोई सुनता है पुराने ज़माने का तो एक अंदर से एक फीलिंग